3000 के पार निकले हैं। एक हफ्ते में सोने में करीब 2000 रुपए की तेजी देखने को मिली है। कोरोना वायरस को लेकर डर बढ़ता जा रहा है, जिससे सोने में सेफ हेवन खरीदारी है। चीन के बाद अब दक्षिण कोरिया में इस वायरस के मामलों में खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे सोने की खरीदारी बनी हुई है। अब सोने में यहां से कितनी तेजी रह सकती है और कैसे करें आप अपनी खरीदारी, इसी पर करेंगे चर्चा। गोस्पॉट में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं क्वांटम एसेट मैनेजमेंट के चिराग मेहता, जेमन ज्वेलरी ट्रेड काउंसिल के शांति भाई पटेल और निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह। सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कुणाल, आपसे शुरुआत करेंगे। रिकॉर्ड हाईज लगातार यहां पर बनते हुए नजर आए हैं। ऑलमोस्ट 10% की बढ़त इस साल में देखने को मिली है और 43,000 के ऊपर अब सोना यहां पर कारोबार कर रहा है। क्या लगता है चार्ट्स पर, क्या किस तरह के ये लेवल्स नजर आते हैं और यहां से अब क्या स्ट्रेटजी हो इस हफ्ते के लिए? वेल, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, M6 पे रिकॉर्ड हाई मारा है। सो चार्ट इज नॉट द बेस्ट इंडिकेटर राइट नाउ। इट इज राइट नाउ ये जो फियर फैक्टर है, ये जब तक कम नहीं होता है तब तक गोल्ड में प्रॉफिट टेकिंग आने का चांस नहीं है। आज मॉर्निंग से जो अगर आप न्यूज देखें तो चाइना में नंबर ऑफ केसेस कम हो गया है, बट नाउ द केसेज आउटसाइड चाइना आर इंक्रीजिंग। जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, साउथ कोरिया में, इवन इटली में, ईरान में। सो आई थिंक ये सब चीज को, डेवलपमेंट को मॉनिटर करना चाहिए। अभी अगर आप फ्रेश तेजी करते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करनी चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि कंप्लेसेंट रह के अभी तेजी करनी चाहिए गोल्ड में। सो 42,750 के साथ के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको ऊपर में 43,290-300 तक के लेवल्स मिलते हैं, वहां पे प्रॉफिट बुक करना है। सो दीज आर नॉट द टाइम वेर यू इनिशिएट अ फ्रेश पोजिशन विदाउट अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके बाय कीजिए, अभी भी ट्रेंड ऊपर ही लग रहा है। खरीदारी अभी भी यहाँ पर जारी रहनी चाहिए, नए हाईस की उम्मीद यहाँ पर है। रुपए में जो वीकनेस है उसका फायदा भी भारतीय बाजारों में आता हुआ नजर आया है और ग्लोबली भी सबको यहाँ पर अब ये लगता है कि यहाँ से और भी बढ़त देखने को मिल पाएगी। चिराग, आपसे जानना चाहेंगे, लास्ट ईयर हमने जब सोने में खरीदारी बनते हुए देखी तो ऑफकोर्स कंसर्न्स की वजह से था, लेकिन बाजार को उस समय भी लग रहा था कि गोल्ड फंड्स बहुत नहीं आए हैं। गोल्ड ETFs में खरीदारी हमने लास्ट क्वार्टर तक यहां पर बढ़ते हुए देखी। अब जो ये सर्ज देखने को मिला है, किस तरह का पार्टिसिपेशन आप देख रहे हैं जिसकी वजह से ये तेजी है? पार्टिसिपेशन अगर ग्लोबल गोल्ड ETFs में देखें तो इट्स एट रिकॉर्ड हाईज। सो पार्टिसिपेशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट डिमांड इज वेरी वेरी हाई। और अगर ये ट्रेंड की बात करें तो अर्लियर ये कोरोना वायरस इश्यू पिक्चर में नहीं था, तभी भी गोल्ड का आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव बन के आ रहा था, बिकॉज सेंट्रल बैंक जो बायसनेस था और ट्रेड वॉर्स का जो कंसर्न था, दोज वर द मेन थिंग्स। बट नाउ कोरोना वायरस एक नई अनसर्टेनिटी लेके आया है। वी डोंट नो हाउ इट्स गोना इम्पैक्ट, लाइक इट्स शोइंग साइंस ऑफ स्प्रेडिंग अक्रॉस। सो और चाइना विच इज़ द एपिसेंटर ऑफ कोरोना वायरस, दैट इज़ अ बिग डिमांड ड्राइवर। ऑल्सो एक फैक्ट्री है वर्ल्ड के लिए जो सप्लाई देता है वेरियस कमोडिटीज़ का, वेरियस प्रोडक्ट्स का। सो अर्लियर अजम्पशन था दैट इट इज़ शोइंग साइंस ऑफ कंटेनमेंट, इसके लिए गोल्ड प्राइसेस में डिप देखा था। मगर नाउ अगेन जब ये दिख रहे हैं कि इट्स इज शोइंग साइंस ऑफ स्प्रेडिंग, वापस एक अनसर्टेनिटी आ गई है। पहले ट्रेड वॉर अनसर्टेनिटी थी, अभी ट्रेड वॉर प्लस कोरोना वायरस अनसर्टेनिटी है। इसके लिए गोल्ड प्राइसेस में काफ़ी डिमांड देख रहे हैं फ्रॉम अ डाइवर्सिफिकेशन परस्पेक्टिव। एक सेफ हेविन डिमांड जो बोलते हैं, दैट इज सीन, US डॉलर इज इंक्रीजिंग हायर। एट द सेम टाइम गोल्ड में भी हम डिमांड देख रहे हैं बिकॉज इट इज लाइक अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, जब तक क्लैरिटी नहीं आता है कोरोना वायरस इश्यू पे, आई थिंक गोल्ड प्राइसेस विल कीप द अप ट्रेंड। इवन आफ्टर दैट डाउनसाइड्स गोल्ड में काफी लिमिटेड रहेंगे बिकॉज ग्लोबल ग्रोथ जो है वो काफी हर्ट हो रहा है ये इश्यूज के वजह से। और उसके चलते हुए ग्लोबल स्लो डाउन एक्सेसरबेट हो जाएगा। इसके लिए देयर विल बी सेंट्रल बैंक्स जो बायस रहेंगे टू पंप इन मोर लिक्विडिटी एंड कट इंटरेस्ट रेट्स।
सो गोल्ड आउटलुक यहाँ से और भी पॉजिटिव होता है, और ये चलते हुए गोल्ड ETFs की डिमांड ग्लोबली एंड इन इंडिया विल इंक्रीज। चिराग, ऑल्सो हमने भारतीय बाजारों में पिछले 3-4 साल में यहाँ पर लगातार रिडेम्पशन आते हुए देखे थे सोने के ETF में से, लेकिन जनवरी के महीने ने यहाँ पर काफी हद तक अपना एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है। पिछले जनवरी से 30% की बढ़त है ETF होल्डिंग्स में, 7 सालों में ये सबसे बेहतर जनवरी है। आप क्या फरवरी में इस तरह के ट्रेंड्स बन रहे हैं? फरवरी में भी हम डिमांड अच्छी देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स आर लुकिंग एट बाइंग, बट एक अनसर्टेनिटी है कि कौन से लेवल पे बाय करें। सो जब भी वॉलेटिलिटी होती है प्राइसेस में तभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच अप्रोच आ जाता है, मगर अदरवाइज वी आर सीइंग इंक्रीज्ड इन्वेस्टर इंटरेस्ट टू बाय गोल्ड, एंड आई थिंक जैसे भी प्राइसेस स्टेबलाइज होता है या गिवन अदर एसेट क्लासेस में वॉलेटिलिटी ज़्यादा देख रहे हैं उसके चलते हुए गोल्ड डिमांड इंक्रीज हो रही है, और आई वी एंटिसिपेट दैट विल इंक्रीज गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। सो अगर गोल्ड ETFs में देखें तो 2012 में पीक डिमांड था 12,000 crores इन एसेट्स, वी आर ऑलरेडी एट अराउंड 6,500 crores इन टोटल। लास्ट मंथ वी सॉ 200 crores का फ्रेश इनफ्लोज इनटू गोल्ड ETFs, सो आई थिंक गोल्ड ETFs का डिमांड काफ़ी बढ़ेगा गोइंग फॉरवर्ड, राइट फ्रॉम आउटलुक परस्पेक्टिव और ऑल्सो फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन परस्पेक्टिव। सो दोनों चलते हुए आई थिंक डिमांड फॉर गोल्ड ETFs विल इंक्रीज। शांति भाई, आपसे जानना चाहेंगे सोने में जो रिकॉर्ड हाई तेजी देखने को मिली है क्या इसका, और उससे पहले आपके सामने ये विजुअल्स हैं कि US प्रेसिडेंट ट्रंप यहां पर अहमदाबाद में लैंड करते हुए, आपको बता दें कि ये उनकी मेडन विजिट है, और विजिट से पहले उन्होंने यहां पर कुछ ही घंटे पहले भारत में लैंड करने से पहले US प्रेसिडेंट ने यहां पर हिंदी में ट्वीट किया था कि वो बेताब हैं यहां पर लैंड करने के लिए और इंतजार कर रहे हैं कि भारतीयों से यहां पर वो मिले। 65 मिलियन गुजरातीज यहां पर वेलकम करने वाले हैं प्रेसिडेंट US ट्रंप को, ऐसा गुजरात के CM ने भी यहां पर ट्वीट में कहा। तो ऑफकोर्स काफी सारी ट्वीट्स यहां पर PM मोदी की तरफ से, गुजरात के चीफ मिनिस्टर की तरफ से और US प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से यहां पर आती हुई नजर आई हैं। काफी पावर पैक्ड ये उनके 2 दिन की ट्रिप है, वो यहां से दिल्ली जाएंगे, यहां से आगरा जाएंगे और फिर दिल्ली जाएंगे। और जहां तक अहमदाबाद की बात है, मोटेरा जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है, इसको दोनों ही हमारे प्रधानमंत्री और US के प्रेसिडेंट इसको लॉन्च करने वाले हैं। BCCI के जो प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली और सेक्रेटरी जय शाह, वो ऑलरेडी मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में पहुंच चुके हैं। PM मोदी भी वहां पर पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट पर वो इंतजार कर रहे हैं ट्रंप के आने का, और सामने जैसे कि आप देख सकते हैं उनका वो प्लेन वहां पर अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे उतरता हुआ।